हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम अपने DXXP की नेक्स्ट तैयारी करेंगे। यानी कि आज हम देख रहे हैं जून 12 का पेपर। यानी कि जून से जो 12 के से जो एग्ज़ाम हो रहे थे UGC नेट के, उसमें पेपर टू एंड पेपर थ्री जो होते थे वो मल्टीपल आ गए थे। तो आज हम जून का पूरा का पूरा यानी कि पेपर टू और पेपर थ्री करा देंगे आपको। यानी कि जिस जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे DXXP के लिए, और DXXP के लिए मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे जो है मजाक में ले रहे हैं अभी भी एग्ज़ाम को। KVS वाला एग्ज़ाम आपने देख चुका है कि कहाँ से क्या उठ जाए, तो इसलिए आपको जो कराया जा रहा है आप उसे हल्के में ले रहे हैं। अगर हल्के में लोगे तो फिर वही है KVS की तरह पेपर हल्का हो जाएगा, और पेपर हल्का हो गया तो आपके नंबर भी हल्के हो जाएंगे। इसलिए सारी चीज़ें कराई जा रही है, यानी कि DXXP से उठा के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पेपर। और जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, देखो लाइब्रेरी जो होती है, लाइब्रेरी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें से ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। तो इसलिए आप हल्को जो सब्जेक्ट को हल्के मत लीजिए, और आप जहाँ से जो मिले बटोर के रख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 12 का पेपर, यानी कि पेपर टू है। पेपर टू क्या कह रहा है, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति 1986 में चेयरमैन कौन था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन कितना 1986। तो कौन थे, BP चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था लाइब्रेरी साइंस के अनुसार, तो ये आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ बिलिस एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसका आंसर आप लगा लीजिए क्योंकि 2011 के अनुसार था, तो डायमंड वाला क्वेश्चन है, यानी कि डायमंड जुबली वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन इंपॉर्टेंट है, डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू, यानी कि डिजिटल संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है, आस्क योर लाइब्रेरियन, ठीक है, लाइब्रेरियन के द्वारा करी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट नहीं है, पांच दस सीक्वेंस ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटेड डाटाबेस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सात क्या पूछ रहा है, शोध गंगा क्या है। तो शोध गंगा आपको पता होना चाहिए, शोध गंगा जो है जिस पे जो भी MLU करा होगा उसे पता होगा, शोध गंगा इस पे थीसिस मिलती है, यानी कि ई थीसिस मिलती है, तो ई थीसिस है इसका आंसर हो जाएगा। शोध गंगा निम्न में से किसकी यानी कि रिपोर्ट क्या एक तरह से करती है, तो वो है शोध गंगा ई थीसिस। ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, RRLF फेल्ड अंडर, यानी कि RRLF किसके अंडर आती है। तो RRLF किसके अंडर आती है, ये तो सबको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बिगन, यानी कि शुरुआत कहाँ हुई उसकी इंटरनेट लाइब्रेरी की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी डैश के द्वारा जारी की जाती है। तो इंटरनेट जो लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो कही जाती है ड्रेक्सलो लाइब्रेरी, यानी कि ड्रेक्सल लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच लाइब्रेरीज आर फंक्शनिंग एज डेपोजिटरी लाइब्रेरी। डेपोजिटरी लाइब्रेरी आपको पता ही कौन कौन सी है, एक तो आपकी हो जाएगी पहला नंबर हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर तो हो भाई, क्योंकि दिल्ली लाइब्रेरी आपको बताया था मैंने, डेपोजिटरी लाइब्रेरी आखिरी में। और डेपोजिटरी लाइब्रेरी को किस नाम से जानते हैं, डिलीवरी बुक एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन सा आ जाएगा, कॉमन इसका आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि ए और बी। चलिए, इंपॉर्टेंट डेपोजिटरी लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, डिलीवरी बुक एक्ट के नाम से जानते हैं, तो याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन, यानी कि ज्योग्राफी सोर्स है, ये आपसे ज्योग्राफी सोर्स के यानी कि इस तौर पे पूछा नहीं जा सकता, ज्योग्राफी सोर्स तो आपको पता ही है भाई क्या है, ज्योग्राफिकल सोर्स कौन सा है, इसमें आ जाएंगे आपके आ जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया और मैप, सॉरी इंसाइक्लोपीडिया और ईयर बुक। अब मैप और एटलस मत लगा देना, क्योंकि मैप और एटलस ये जो है भौगोलिक स्रोत नहीं है,
ये भौगोलिक स्थिति को दिखाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें इंसाइक्लोपीडिया में आपको पता ही है और ईयर बुक में सब कुछ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंप्यूटर क्वेश्चन है तो सबका लेंगे। 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपन सोर्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर स्कूल मैनेजमेंट ऑफ द वे 19 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये कि इसमें क्वेश्चन नंबर एक ही इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 क्या कह रहा है, द बुक सिलेक्शन जो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी सोर्स ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 24 25 26 27 28 ये आपके इंपॉर्टेंट है DSSSB के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो 29वें क्वेश्चन की तरफ खोल लेते हैं हम, यानी कि 29वां क्वेश्चन आ गया आपका। अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसे ईयर वाइज लगाना है, सीधे सीधे बात ये, अरे आप सब कुछ बता रखा है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ALA, और ALA का मतलब ये है तीन नंबर आ गया, तो तीन नंबर का के अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी के अनुसार तीन नंबर चार नंबर, यानी कि तीन नंबर चार नंबर, ALA, SLA, SLA के बाद क्या आएगा, ASLA और फिर ये आ जाएगा लास्ट में, तो ALA कब आया था ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 भी इंपॉर्टेंट है, अरेंज द फॉलोइंग जो आपसे पूछा है, अब कॉपीराइट एक्ट रिवाइज लिखा हुआ है यहाँ, कॉपीराइट एक्ट रिवाइज कब आया और कॉपीराइट एक्ट कब आया, तो सबसे पहले आपको पता है कॉपीराइट एक्ट आया, यानी तीन नंबर में आया था, तो तीन नंबर कॉपीराइट सबसे पहले होगा, फिर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, यानी कि IT एक्ट आ जाएगा, IT एक्ट के बाद कौन सा आया था, IT एक्ट के बाद आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, उसको कंडक्ट करके, यानी कि आर्टिकल 21 को लेकर और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, तब आया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमें भी आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की आज़ादी मिलती है, फिर आता राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बाद आया था राइट टू इंफॉर्मेशन, तो इस हिसाब से कौन सा बैठता है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिशिंग ईयर, ये जो पब्लिशिंग ईयर के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस तरह से लगा लीजिए, पहला आ जाएगा लाइब्रेरी जनरल, लाइब्रेरी जनरल के बाद आ जाएगा लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि दो नंबर एक नंबर, इसके बाद आपका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा तीन नंबर और सोशल, यानी कि हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33 आपको करा चुका है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अनुसार, फिर आता है चेन इंडेक्स, ये चेन इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, DSSB के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कोई नेट का एग्जाम दे रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस हिसाब से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 35 आपको लिख लेना चाहिए या फिर आपको एक तरह से दिमाग में रख लेना चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया सबसे पहले कहाँ की आई थी भाई, सबसे पहले आपकी ब्रिटेनिया की आई थी, फिर अमेरिका की आई थी, फिर कहाँ की आई थी, फिर मैग्रा हिल वाली आई थी और वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन सा बैठता है, बी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग, इसमें सीक्वेंस लगाने, आप अरेंज द फॉलोइंग में सीक्वेंस आपको पता ही है, सबसे पहला डिस डॉक यानी कि दो नंबर आया था, डिस डॉक के बाद आपका आ जाएगा चार नंबर, निस डॉक यानी कि और दो पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा आगे होता है, फिर निस यानी कि ये आया था NIC आया था तीन नंबर, और फिर आएगा निस केयर, यानी कि इस हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 इंपॉर्टेंट है, 37 हिंदी में बोल लेते हैं, अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग, यानी कि इसमें पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग जो इस्टेब्लिश ईयर है, इसमें सबसे पहले आपको कौन सा आप दिख रहा है, एक नाम दिख रहा होगा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी, यानी गुजरात आई थी, और सबसे आखिरी में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश सबसे आखिरी में, अभी तक के जो लाइब्रेरी एक्ट है सबसे आखिरी में अरुणाचल प्रदेश है, तो चार नंबर आ गया गुजरात आ गया, गुजरात के बाद उड़ीसा आ गया, उड़ीसा के बाद उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, और ईयर पूछे जा सकते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आते हैं 38 में क्या कह रहा है, ये लॉ के बारे में कह रहा है, यानी कि जो फाइव लॉ हैं
उसके बारे में बात कर रहा है। पहला क्या कह रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट में क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि सेकंड लॉ। सेल्फ अरेंजमेंट ऑफ द कैटलॉगिंग, यानी कि कैटलॉग की बात कर रहा है, तो कैटलॉग में कौन सा आ जाएगा आपका, फोर्थ लॉ, यानी कि जो समय बचाने वाली बात करता है। ओपन एक्सेस सेल्फ अरेंजमेंट, ओपन एक्सेस सेल्फ अरेंजमेंट कौन बात करता है, तो वो करता है थर्ड लॉ। और फिर आ जाता है लाइब्रेरी लोकेशन, लाइब्रेरी लोकेशन तो आपको सबको पता है फर्स्ट लॉ में बात करता है, यानी कि आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यूज़र ऑर्बिटेशन इंफॉर्मेशन रिपाइपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इस तरह से, ये भी नेटवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये एक आधा क्वेश्चन, यानी कि इसमें से लॉ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपका DSSSP का पेपर है, नेट का पेपर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हब, ये तो आपको पता ही होगा, साइंस का क्वेश्चन, सॉरी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, बस टेपोलॉजी क्या होता है, और स्विच क्या होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही DSSSP में आ चुका है, इसलिए इसे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो, चलो हिंदी में भी एक बार ऊपर कर लेता हूँ मैं, 34। सबसे पहले आता है हब। अब हब क्या होता है, जब आप कंप्यूटर की भाषा में हब को लेके चलोगे, तो हब होता है आपका एक फिजिकल लेयर डिजिट, यानी कि डिवाइस होता है कनेक्टिंग टू द मल्टी, यानी कि यह आ जाएगा ए फिजिकल लेयर डिवाइस दैट कनेक्ट द मल्टीपल कंप्यूटर ईच वे ऑफ द डिटेक्ट केबल, यानी कि पहला इसमें आ जाएगा पहला, यानी कि एक भौतिक स्तर युक्त जो बहुत सारे कंप्यूटर को संपूर्ण केबल में एक साथ जोड़ता है, तो यानी कि पहला हो जाएगा। अब आता है रिपीटर। अब रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर का काम होता है एक भौतिक युक्त जो विशाल नेटवर्क को माध्यम से और उसके घटकों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि ए फिजिकल लेयर ऑफ डिवाइस यूज द इंटरकनेक्टेड द मीडियम ऑफ सेगमेंट ऑफ द एक्सटर्नल नेटवर्क, यानी कि दो नंबर हो गया। अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी भाई टोपोलॉजी मतलब आपके एक तरह से जो कनेक्टेड रहता है, और यानी कि इसमें आ जाएगा आपका ये हो जाएगा एक सीधी रेखा डेटा, यानी कि डेटा हार्डवेयर एक नेटवर्क और इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन तक सेट करने की, यानी कि ये हो जाएगा तीन नंबर, ये हो गया दो नंबर, और बचा क्या, ये चार नंबर, यानी कि ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। RRLF कहाँ है भाई, RRLF कहाँ पर है, RRLF आपकी कलकत्ता में, यानी कि ये हो जाएगा पहला। फिर दूसरा सॉरी कॉनिमर लाइब्रेरी के कहाँ पर है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चेन्नई। फिर आ जाएगा निस्केयर, निस्केयर आपको निस्केयर तो पता ही होगा, निस्केयर का भी नहीं पता भाई, दिल्ली में है। और खुदा बख्श तो क्या ना, पटना में है ही, यानी खुदा, अगर इसमें अगर हम चलो मान के चलो सब बच्चों को एक ही छोड़ दो, ये पता नहीं है, खुदा बख्श तो पता है, खुदा बख्श तो पटना में है ही, यानी कि अगर डी को लेके चले तो डी कहाँ पे आ गया, ये आ गया पहले नंबर में, दो पहले नंबर में। अब आपको RRLF कलकत्ता का पता था, RRLF कलकत्ता है, यानी कि जो RRLF है आपका, नहीं, पटना में है ना, वो तो ये आपका ये हो गया पटना में, यानी कि चार का दो हो गया, और RRLF कलकत्ता यहाँ पर है, तो ये हो गया, यानी कि सी बन जाता कि नहीं बन जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए इसके आगे एक क्वेश्चन है, इसके आगे फिर पैसे शुरू हो जाता है, इसके आगे आपका कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका पेपर 3 खोलते हैं और उसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे DSSSP के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपको एक मिनट के लिए पॉज करके मैं वीडियो पेपर 3 खोल लेता हूँ। तो चलिए ये था, उससे पहले हमने पेपर 2 देख लिया, अब पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 में जून के पेपर में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदी में खोल लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा क्वेश्चन आपको वही, फिर आपको अरेंज द फॉलोइंग करा है, यानी कि इसको क्या लगाना है, इसके पार्टनरशिप की, यानी पब्लिशिंग पार्टनरशिप के अनुसार लगाना है। सबसे पहले ALA आता है, ALA के बाद आपको, यानी कि इसमें सॉरी, अरेंज द फॉलोइंग नहीं कह रहा है, ये मेरी गलती है, मैंने क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं देखा। क्वेश्चन कह रहा है इंफॉर्मेशन पावर, यानी इंफॉर्मेशन पावर बिल्ट पार्टनरशिप फॉर
लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है, यानी कि द पब्लिशिंग पब्लिशर फॉर सॉरी पब्लिशर ऑफ इंफॉर्मेशन पावर बिल्ट पार्टनरशिप फॉर लर्निंग इज ILA, यानी कि ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है DSSSB के अकॉर्डिंग, 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, 11 इंपॉर्टेंट नहीं है और 12 इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो आपको मिल गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, 13 पास्कल इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 वायरस के ऊपर है, 15 क्या नाम कंप्यूटर के ऊपर है, ये तो आपको पता ही है। जो फाइल ट्रांसफ़र जो आपको मैंने बताया था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आया था FTP, यानी कि 15 का ए हो जाएगा। तो 15 का ए इम्पोर्टेंट नहीं है, 16 इम्पोर्टेंट नहीं है, 17 इम्पोर्टेंट नहीं है, कैटलॉग ब्रेकिंग ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें सीक्वेंस दे रखा है, यानी कि स्क्वायर पूछा रहा है, तो एक बार इस तरह क्वेश्चन आया था। तो यानी कि सूचना कर के वर्ग में कोष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग करा जाता है किसके लिए करा जाता है, कोष्ट का ये करा जाता है द इनक्लोज इंफॉर्मेशन टेक द आउटसाइड, यानी कि बाहर से ली गई सूचना को अनुकूलन करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। 19 इंपॉर्टेंट है, ACR2 रिवाइज पूछा है इसमें, ACR2 रिवाइज, ये तीन है, ACR2 और ACR1। आपसे मैंने पूछे थे तीनों के ईयर, आपने बताया नहीं किसी ने भी, बच्चों याद कर लेना ACR2 और ACR का पूछा जाता। तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच सेक्शन ऑफ ACR2 डील ऑफ सीक्वेंस पब्लिकेशन, यानी कि कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्ट ए सेक्शन 12, यानी कि पार्ट ए सेक्शन 12 क्रम से प्रकाशित होने भाग एक और अनुभाग 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉप वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 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 यानी कि जो DSSSB का पेपर है उसे के अकॉर्डिंग आपका पेपर 3 में तो कोई भी एक भी क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा जो इंपॉर्टेंट हो। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख गया मुझे, चलिए आगे चलते हैं। इसे हटाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड ये भी हटाते हैं और ये भी हटाते हैं। आ गया हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, इसे लिख लीजिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 33 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ गया हिंदी में। हाँ, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रथम MPhil प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ हुआ, यानी कि MPhil PhD MPhil कहाँ हुआ, BLEAV कहाँ हुआ, PhD कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले आता है DLEAV कहाँ हुआ, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, BLEAV कहाँ हुआ, MLEAV कहाँ हुआ, PhD कहाँ हुआ, फिर आता है MPhil, यानी कि ये पांचों के पांचों आप याद कर लेना, कहाँ हुआ, किसने किया, बस पहला नाम याद कर लेना, कहाँ पे हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी ने करा और कहाँ, यानी कि किसने करा, ये पांचों के पांचों याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, वेयर द फर्स्ट MPhil प्रोग्राम इज लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन वाज द स्टार्टेड बाई लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन का, जो MPhil करा था वो क्या करा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने करा था, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। चलिए अब आपको पूछ रहा है सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ क्या बताओ, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा स्रोत किसके बारे में संबंधित है। तो भाई पुस्तकालय बुक फॉर ऑल, सभी के लिए पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी हमारे काम की नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोस तो आपको पता ही, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस का साइंस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइमरी सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 इंपॉर्टेंट नहीं, 45 इंपॉर्टेंट नहीं, 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, 47 इंपॉर्टेंट नहीं, अरे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें DSSSB का पेपर 3rd में, तो मुझे लग रहा है ऐसा ही हो रहा है कि पेपर 3 में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई भी क्वेश्चन एक ऐसा नहीं है जो आपको मैं कह दूँ कि इंपॉर्टेंट है या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
56 है इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 इम्पोर्टेंट नहीं है, 8 इम्पोर्टेंट है, 9 इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हाँ ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा जा सकता है, 60 को देखते हैं, 60 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है मैच द फॉलोइंग। अब 60 में आपको सबसे पहले आ रहा है कहाँ की है, इसमें भी खोल लेते हैं एक मिनट, ये रहा 60 60 60 हिंदी में 60 60 ये रहा कोनेमार पब्लिक लाइब्रेरी। अब इससे ये पूछा है कि कहाँ पर है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा चेन्नई, यानी कि ये आ जाएगा। और फिर आता है खुदाबख्श, खुदाबख्श आपको पटना बता ही चुका है अभी। एसीटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी, एसीटिक सोसाइटी ऑफ लाइब्रेरी कहाँ पर है, एसीटिक सोसाइटी मुंबई में है। और लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी इंडिया कहाँ पर है, कोलकाता। यानी कि इतना आसान क्वेश्चन आपको पता है, खुदाबख्श भाई सबको चलो मान लो, पहला नहीं पता, खुदाबख्श तो पता है, खुदाबख्श कहाँ है, पटना, यानी कि दो का। फिर एसीटिक सोसाइटी, एसीटिक सोसाइटी मुंबई में है, कहाँ गया मुंबई, तीन नंबर। अब ये कहाँ पर है ये बताओ, नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है हमारी, नेशनल जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है, कलकत्ता में। तो यानी कि चार हो गया, बचा कौन सा, ए, यानी कि हो गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगा लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आज की वीडियो देखो कितने, जो पेपर इम्पोर्टेंट होता है उसमें ही तो आपको दिक्कत होती है। अब एक भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा मुझे, यानी कि पेपर टू में तो कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले थे हमें, जो डी ट्रिपल एस बी के लिए इम्पोर्टेंट है, 40 ये। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक बार पेपर ज़रूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर अगर नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये आपके वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे नहीं आते। अब ये आता, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आ रहा क्लासिकल स्कूल, इससे नीचे वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल स्कूल किसका है जल्दी बताओ, क्लासिकल स्कूल मैंने आपको करा चुका है, क्लासिकल स्कूल आपको पता भी होना चाहिए। जो क्लासिकल स्कूल है, ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या आ जाएगा, हेनरी फेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो। एक्स और वाई थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी किसकी है जल्दी बताओ, एक्स और वाई थ्योरी, भाई एक नाम तो दिख रहा है आपको, एक्स, ओके 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 ओके, रुकिए सॉरी मेरी गलती हो गई, क्योंकि मैंने हिंदी में सेक्शन नहीं खोल रखा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, हिंदी में तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिकल विचारधारा, तो क्या है, हेनरी फेबल। फिर दूसरा क्या है, एक्स और वाई थ्योरी, एक्स और वाई थ्योरी किसकी है, डुगल्स की है, आपको पता ही है, डुगल्स एम ग्रल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये अब चेन सिस्टम किसका है, चेन सिस्टम किसका है, चेन सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि पहला हो जाएगा। और एम बी ओ, एम बी ओ क्या है, पीटर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया। फिर अगला चलते हैं, मैं एज द फॉलोइंग, ए कार्टर किसका, यानी ए कार्टर क्या है, ए कार्टर ने क्या करा था, ए कार्टर ने आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, संबंधित सूचना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। फिर आपका आ जाएगा यानी कि यही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो वैसे तो इम्पोर्टेंट तो यही है, और तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो सारे आपके सिलेबस से बाहर की बातें। चलो आगे चलो, टाइम वेस्ट करना बच्चों का कि भाई अपनी वीडियो लंबी बनाने के चक्कर में मैं फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं, इतने में आपको मैं और चीज़ बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, 72 गाइडेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, इसमें खोल लेते हैं, गाइडेंस ऑफ आरटीआई एक्ट, सूचना अधिकार अधिनियम के उपयोग की मार्गदर्शन कौन करता है, तो यानी कि इसका, यानी कि गाइडेंस ऑफ आरटीआई एक्ट का, सॉरी इसमें क्या कह रहा है, पहला हो जाएगा डायरेक्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जो पहले का आ जाएगा इसका आ जाएगा संदर्भ सेवा, यानी कि क्योंकि गाइडेंस कह रहा। फिर आ जाएगा मल्टीमीडिया की उपयोगिता में अभिमुखीकरण, यानी कि मल्टीमीडिया के इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूचना संरक्षण। फिर आ जाएगा प्रोवाइड यूज़र विद लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स, लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स का आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, यानी कि आपका लेखागत सेव, यानी कि ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा पहला, ये हो गया पहला आपका, और फिर ये हो गया दूसरा, और ये बचा तीसरा, यानी कि रेफरेंस सर्विस। और रेफरेंस सर्विस का डायरेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन
इफ लिब नेट इज द की नीड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बजटिंग का इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कर लेना। अब फॉर्मेटिंग बजट क्या होता है, जीरो बेस बजट क्या होता है, ये आपको सारे के सारे देखो बिल्कुल आराम से मुझे समझाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ये एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए, मेरे को लिखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा दोबारा एक तरह से लिख लेता हूँ, वन लाइनर में लिख लीजिए। बजट प्रिपेयर यूज़ प्रीवियस पीरियड बजट, यानी कि जो प्रीवियस पीरियड बजट होता है वो किस पे आ जाता है, तो वो आपका हो जाएगा वार्धिक बजट, यानी कि इन सेंटिमेंट बजट, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। फिर आ जाएगा बजट बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, यानी कि बजट किसकी बात करता है, तो वो होता है फॉर्मल बजट, यानी कि ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। बजट प्लान्ड इंटीग्रेटेड नंबर ऑफ यानी कि टेक्निक्स, जो टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लानिंग और प्रोग्राम बजट सिस्टम, यानी कि ये हो जाएगा आपका तीन नंबर। बजट प्रिपेयर्ड आइडेंटिफाई द करेक्ट टास्क इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। तो अब इसे पढ़ देते हैं हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी में भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, पिछले बजट को प्रयुक्त करते हुए बनाया गया बजट, तो पिछले के कौन सा हो जाएगा आपका वार्धिक बजट, यानी कि ये हो जाएगा आपका पहला। मानक और मापदंड पर आधारित बजट, मानक और मापदंड पर आधारित बजट कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको बताया था आपको दूसरा, यानी कि इसका हो जाएगा पहला नंबर, यानी कि फॉर्मल बजट ये हो जाएगा। अनेक तकनीक और एकीकृत करके बनाया गया बजट, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि आयोजित प्रोग्राम बजट का ये हो जाएगा तीन नंबर। पिछले वर्ष के बजट को स्वतंत्र ऐसे बजट के मौजूदा कार्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट, ये हो जाएगा शून्य आधारित बजट। इम्पॉर्टेंट है बजट के ऊपर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है और बजट के ये क्या हो जाता है, बजट के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए बजट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि बजट इसमें चारों बजट दे रखे हैं और चारों बजट आपके लिए लाइब्रेरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो इसको, यानी कि वन लाइनर के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर इसके आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यानी कि ये जो पेपर था आपको जून का पेपर थर्ड और पेपर टू मिल गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।